अक्षरा सिंह इकलौती ऐसी नाम हो गई हैं जो अब सबको चुभ रही हैं। मेरे कहने का मतलब है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अक्षरा सिंह को बार बार ये कह रहे हैं कि अक्षरा सिंह कहीं ना कहीं लोगों को टारगेट कर रही हैं। टारगेट करने का मतलब क्या है, मैं आपको आगे समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जिस तरीके से पवन सिंह और ज्योति सिंह भोजपुरी को एक करने के लिए भोजपुरी में एक नए पार्टी की स्थापना करें, उसी तरह अक्षरा सिंह जी बहुत कुछ आए दिन बोल रही हैं जो लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लोग बार बार उन्हें ये कह रहे हैं कि आप इन सब से दूरी रहिए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अक्षरा सिंह जी बार बार पॉलिटिकल पार्टी को लेकर पवन सिंह और ज्योति सिंह को टारगेट कर रही हैं। उनके कई इंटरव्यू अगर आप देखेंगे, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो आप जाकर देख ले, हमेशा से ही पवन सिंह और ज्योति सिंह को ही टारगेट किया जा रहा है। और ये बात ज्योति सिंह ने बहुत पहले ही खुलासा किया है। इसके बाद पवन सिंह के फैंस काफ़ी